नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में कि पंजाब की टीम ऑक्शन में से कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करेगी। इसके ऊपर उनके हेड कोच ने बड़ी बात कही है और बड़ा बयान भी दिया है। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आप सभी लोग को बता दें, IPL 2023 के ऑक्शन को अब केवल एक ही दिन का वक्त बचा है। कोची के हयात होटल में 23 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे से सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी परफेक्ट टीम बनाने की जद्दोजहद करने में लग जाएंगी। ऐसे में सभी टीमों ने कागजों पर अपनी तैयारियां तो पूरी कर ली है, अब देखना होगा कि नीलामी के दौरान किस टीम के हाथ कौन सा स्टार खिलाड़ी लगता है। इसी बीच पंजाब किंग्स के पूर्व हेड कोच ने अपनी फ्रेंचाइजी को अहम सलाह दी है। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें, IPL 2023 तक का करार खत्म होने के बाद अनिल कुंबले को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, उनको आगे की ओर नहीं बढ़ाया गया कि वो पंजाब टीम के हेड कोच रहे। उनकी जगह ट्रेवर वैल्यूज को नया हेड कोच बनाया गया है। साथ ही फ्रेंचाइजी ने अपने कप्तान महेंद्र अग्रवाल को भी रिलीज कर दिया है। जियो सिनेमा के शो में अनिल कुंबले ने चर्चा के दौरान पंजाब टीम को लेकर अपनी राय रखी है और कहा है कि इस खिलाड़ी को पंजाब की टीम पिक करेगी IPL 2023 के ऑक्शन में। तो क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, अनिल कुंबले ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने यानी कि पंजाब किंग्स ने अपने विदेशी ऑलराउंडर ओर्डन स्मिथ को रिलीज कर दिया है, लिहाजा वो निश्चित तौर पर किसी विदेशी ऑलराउंडर की तरफ देख रहे होंगे। कैमरून ग्रीन, बेन स्टोक और सैम करन पर निश्चित तौर पर पंजाब की नजरें होंगी। मेरी सलाह होगी कि कैमरून ग्रीन पर दाव लगाया जाए क्योंकि उनके पास गति भी है, वो काफी लंबे हैं और वो पिच को हिट कर अच्छा उछाल ले सकते हैं, साथ ही वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अनिल कुंबले ने आगे ये भी कहा कि मेरे लिहाजे से यही वजह है कि कैमरून को अपने पाले में लाने की कोशिश करनी चाहिए पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स के पास खर्च करने के लिए काफी रकम है, शायद वो किसी स्पिन ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करने का प्रयास भी कर सकते हैं, ऐसा अनिल कुंबले ने कहा। यानी कि अनिल कुंबले का यहाँ पर मानना है कि पंजाब किंग्स के पर्स में काफ़ी रकम भी है और जो 3 ओवररेटेड खिलाड़ी हैं इस ऑक्शन में, सैम करन, बेन स्टोक और कैमरून ग्रीन, इन तीनों में से पंजाब टीम को सबसे पहले कैमरून ग्रीन को पिक करना चाहिए क्योंकि उनके पास गति है, लंबे कद के, उनको पिच से अच्छी उछाल मिलेगी, वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं और मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका मानना है कि कैमरून ग्रीन को पंजाब टीम को पिक करना चाहिए, बाकी अगर रकम बचती तो सैम करन और बेन स्टोक के पीछे भी जाए। बाकी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि पंजाब टीम के लिए कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी बेस्ट रहेगा और किसे पिक करना चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।